Hello student, today in the lesson money and credit, this is our last topic in the lesson self-help group. This is very important topic, and in this topic you will see how a group will able to give the loan to the poor household in the villages even they have not any kind of the documentation, they have not the any kind of the collateral, even they have no any kind of the irregular income or any kind of the you will say resources which make them enable to take the loan from the banks. तो आज आपको मैं समझाऊंगा कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो गांव के जो गरीब लोग होते हैं वो बैंक से लोन क्यों नहीं ले पाते हैं. तो उसकी सबसे पहली बात तो मैं रीजन आपको बताता हूँ कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन क्यों लेते हैं और बैंक से उनको लोन लेने में क्या दिक्कत आती है. तो सबसे पहली दिक्कत देखें आप कि जो बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज में हर जगह पर मौजूद नहीं है. प्रेजेंस इन रूरल एरियाज, ठीक ना, तो जो बैंक्स हैं वो हर जगह पर रूरल एरियाज में प्रेजेंस नहीं है. पहली बात तो ये समस्या आती है देखने में. दूसरी जो समस्या आती है कि जो लोग होते हैं जो बैंक में पैसा मतलब लेने जाते हैं, लोन लेने आते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो उनकी लैंग्वेज होती है बैंक्स की, या जो वहाँ पर काउंसलर होते हैं, जो वहाँ पर हेल्प डेस्क होती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो वहाँ पर ना होने से उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से फेस करनी पड़ जाती हैं. डिफ़िकल्टीज इन द टर्म्स ऑफ जैसे कोई उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोलना है, कोई लेटर के लिए बोलना है, कोई उनको फॉर्म भरना है, ठीक है ना. तो ऐसी कंडीशन में उनकी लिटरेसी जो रेट है होती है वो भी एक आड़े आधी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. फिर उसके बाद देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गांव के लोगों को लोन जो कि बैंक से ना लेने में, वो प्रॉब्लम आती है कि उनके पास ना तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है और ना ही उनके पास प्रॉपर कोलैटरल होता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं और इसी वजह से मजबूरन उनको मनी लेंडर सबसे अच्छा विकल्प दिखाई देता है बैंक्स के अगेंस्ट में, ठीक है ना. अब मनी लेंडर को वो क्यों चूज़ करते हैं ये आपको समझाते हैं. देखिए मनी लेंडर को चूज़ करने के रीज़न क्या है कि जो मनी लेंडर है वो बारोवर को पर्सनली जानता है. पहली बात तो पर्सनली जानने का मतलब होता है कि वो गाँव का ही व्यक्ति होता है और गाँव का मुख्य प्रधान होने के कारण वो जितने भी गरीब लोग होते हैं या तो उसके काम करते हैं और काम नहीं भी करते हैं तो वो मतलब उनको इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से इनको जानता है, और नहीं भी जानता है तो उसकी जानकारी आसानी से करवा दी जा सकती है किसी भी दूसरे मिडिलमैन के द्वारा. दूसरी कंडीशन क्या आती है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मनी लेंडर से लोन लेना पसंद करते हैं, जो मनी लेंडर होता है उनको बिना कोलैटरल के, क्योंकि यहाँ पर बैंक जो है उनको बिना कोलैटरल के लोन नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर जो मनी लेंडर है उनको बिना कोलैटरल के लोन ऑफर भी करता है, और इसके साथ ही साथ उनको ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटीज़ दिखाई देती है कि इसको उन गरीब लोगों को, क्योंकि वहाँ पर जब बैंक में गए थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, उनको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ अटेंड करनी पड़ रही थी, बट यहाँ पर उनको कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ अटेंड नहीं करनी पड़ रही है. कोलैटरल नहीं होना गाँव वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है, और इसी समस्या को कौन ओवरकम कर रहा है, मनी लेंडर कर रहा है. ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो गांव वाले हैं बड़ी आसानी से उससे लोन लेने के लिए एग्री भी हो जाते हैं. दूसरी बात क्या होती है कि जो गांव वाले हैं अगर वो लोन पहले भी ले चुके हैं उस मनी लेंडर से, तो वो बिना अपना पहले वाला लोन चुकाए हुए भी उसे नेक्स्ट लोन ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके से गरीब लोगों को मनी लेंडर के पास अप्रोच करने में बहुत हेल्प करती है, और बैंक से लोग इसी वजह से जा नहीं पाते हैं, ठीक है ना. अब इसके रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, मतलब इसके क्या क्या मतलब नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं. तो जो मनी लेंडर होता है सबसे पहली बात तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करता है उनके इसी भोलेपन को मतलब आधार बना के, ठीक है ना. दूसरा रीजन क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स होता है किसका, ट्रांजेक्शन का, जो कि किसके बीच में नहीं हो रहा है, मनी लेंडर के बीच में हो रहा है और गरीब लोगों के बीच में हो रहा है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है. अगर होता भी है तो वो अपने फ़ायदे के लिए इसको कम ज़्यादा कर सकता है. दूसरी बात जो सबसे मतलब मेन बात देखी गई है कि जो गरीब लोग होते हैं वो उसके शिकार में फंस जाते हैं, अक्सर वो गरीब लोगों को तंग करता है, कभी कभी तो उनकी ज़मीनें भी गिरवी रख दी जाती हैं. ऐसी कंडीशन में कभी कभी उनके रिसोर्सेज भी होते हैं मनी लेंडर के पास में,
गिरवी आ जाते हैं, मॉर्गेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग हमेशा से हमेशा के लिए उसके क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से स्लेवरी सिस्टम शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए कि इस चीज़ का समस्या जो है इसको हल कैसे किया जा रहा है गांव में। वहां पर क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो एक तरीके से अपना ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। अब स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है कि वो लोग अपना एक खुद का एक संगठन बनाते हैं और खुद के संगठन में उनके ही मेंबर होते हैं, जितने भी उनके कम्युनिटी मेंबर होते हैं वही उसके रजिस्टर्ड मेंबर भी होते हैं। और इसमें अधिकतर या तो वीमेन होती हैं, वैसे तो देखा जाए इसमें वीमेन ज़्यादा होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि अपनी जो पर्सनल सेविंग होती है उसको कलेक्ट करती हैं, यानी पूल का मतलब होता है कलेक्ट करना, तो कलेक्ट करती हैं अपनी पर्सनल सेविंग को, रेगुलर सेविंग, ठीक है ना। और इस तरीके से वो जो लोग होते हैं वो आपस में अपने मोहल्ले पड़ोस से जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है, और वो क्या करते हैं मतलब एक तरीके से रेगुलरिटी रखते हैं, रेगुलरली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सेविंग्स, मतलब दो चीज़ों की रेगुलरिटी करते हैं। पहली बात तो किसकी करते हैं, रेगुलरिटी मीटिंग्स ही करते हैं और दूसरी सेविंग ही करते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो सेविंग होती है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी अर्निंग जो अर्निंग एबिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये 25 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक के बीच में होती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं। ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं होता कि सभी को इतने ही पैसे देने हैं, बल्कि वो अपनी सेविंग के जो इनकी इनकम होती है उसके हिसाब से ये अपनी सेविंग को तय कर सकते हैं ग्रुप के लिए। फिर इसका बेनिफिट क्या होता है कि वो लोग इस सेविंग को करने के बाद उस ग्रुप से वो लोग लोन ले सकते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि चार्ज किया जाता है ग्रुप मेंबर से वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इवन इनफॉर्मल सेक्टर जो कि मनी लेंडर लेता है उससे तो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके जो रेगुलर सेविंग होती है जो कि ग्रुप बराबर से कर रहा है 2-3 साल से लगातार कर रहा है, जो ग्रुप लगातार से रेगुलर सेविंग कर रहा है वो क्या करता है, ग्रुप को एलिजिबल कर देता है, यानी कि योग्य बना देता है। किसके लिए योग्य बना देता है कि वो लोन जो है बैंक से ले सकते हैं, और जो उनकी जो पर्सनल सेविंग होती है वही उनका कोलेटरल बन जाती है। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको, जो उनकी सेविंग होती है जो कि 2-2.5 साल से चल रही है वो एक तरीके से कोलेटरल का काम करती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रही होंगी। फिर क्या होता है कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो एक प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तैयार करता है, जिसके एवज में क्या होता है कि जो स्मॉल लोन जो होते हैं वो उनको किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं, खरीदने में, सीड्स में, फर्टिलाइज़र में, या रॉ मटेरियल में, या ऐसी बहुत सी चीज़ों में, मशीन में, टूल्स में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करती है। अब देखिए क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिट ये होते हैं कि पहली बात तो ये कोलेटरल की समस्या को सॉल्व कर देता है, यानी कि जिसके पास कोलेटरल नहीं है, जिसके एसेट्स नहीं है, जिसके पास प्रॉपर प्रॉपर्टी पेपर नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा पहली बात तो। दूसरी बात, टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, यानी कि समय के हिसाब से लोगों को लोन आसानी से मिल जाते हैं, उनको ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ती है, उनको बैंक नहीं जाना पड़ता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो वीमेन होती हैं वो एक तरीके से फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन जाती हैं, यानी कि वो एक तरीके से स्वरोजगार पैदा कर लेती हैं अपने आप में, और वो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो ग्रुप होता है वो उनको रेगुलर मीटिंग के लिए प्रेरित करता है, उसके साथ ही साथ वहाँ पर ना केवल मीटिंग होती बल्कि डिस्कशन होते हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जिसको कि पहले कभी नहीं किया गया था किसी भी ग्रामीण स्तर पर। तो वो सोशल इश्यूज पे वो डिस्कस करते हैं, खास तौर से जो उनके मुख्य मुद्दे होते हैं, हेल्थ होता है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन होता है, साफ़ सफाई होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, यानी कि जो घर के जो झगड़े कलह होते हैं उनको भी वहाँ पर आसानी से डिस्कस किया जाता है, और इवन इसके ऊपर ओवरकम यानी कि सोल्यूशन भी निकाला जाता है, ना केवल इसको डिस्कस किया जाता है। तो ना केवल ये प्लेटफॉर्म है बल्कि एक प्रकार का ये मतलब सोशल अवेयरनेस, यानी कि एक प्रकार का जो NGOs आप बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरीके से काम करता है ये, और ये गरीब लोगों के बीच में एक प्रकार का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी पैदा करता है, साथ में इनको एक तरीके से रेगुलर अर्निंग भी देता है, साथ में इसके इनको योग बनाता है कि वो बैंक तक की अप्रोच रख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोगों को डायरेक्ट मिलने लगते हैं, ठीक है ना।
ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, ऐसे बहुत से राज्यों में लगातार चल रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा लज्जक पापड़ या ऐसे बहुत से जो ग्रुप होते हैं वो इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें, सूप है, सोलर जो लाइट के पंप लैंप होते हैं इसको बनाना, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को बनाना, पिकल्स हैं, जैम जेरी है, ऐसी बहुत सी चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पे हमारे गांव के वीमेन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। बल्कि इवन कुछ वीमेन ग्रुप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो विदेशों तक में अपनी अप्रोच कर चुके हैं और वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से बैंक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और बैंक से तक अप्रोच भी बढ़ा रहे हैं, इन्फॉर्मल सेक्टर की सारी जो समस्याएं हैं इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी मतलब है जो इग्नोर ये आपका इन्फॉर्मल सेक्टर है इसको पूरी तरीके से दूर कर रहे हैं गरीब लोगों के बीच से, जिससे कि इनको बराबर से मतलब इनकम होती रहे और वो इन्फॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें और इन्फॉर्मल सेक्टर तक ज़्यादा अप्रोच ना करें। बल्कि बैंक के लिए जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बैंक के भी पास वो पहुँचेंगे, इवन बैंक भी उनके पास पहुँच सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सारे टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप निश्चित रूप से इनको अपने जो फ्रेंड्स सर्कल है उनके बीच में सर्कुलेट करें। थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।